हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आईपीएल मैच की। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट पूरे यूट्यूब पे आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, उसके बाद आपको टीम बना के देते हैं और हमारा मेन फोकस स्टैट्स पे होता है। तो अगर आपने स्टैट्स पता कर लिए तो आप पूरा गेम पता कर लेंगे। इस मैच में क्या होने वाला है, कौन स्कोरिंग करेगा, कौन नहीं करेगा, हर एक सवाल का जवाब आपका वीडियो में है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आईपीएल के हर एक वीडियो को हम यहाँ पे कवर करते हैं। सो गाइस, कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स का ये मुकाबला है, 19वां आईपीएल मैच, जो कि खेला जाएगा बर्बन स्टेडियम मुंबई में। अब इस स्टेडियम पे आखिरी मैचेस में क्या हुआ हम पूरा देखेंगे। आपको ये भी बताऊंगा स्पिनर्स ने कितने विकेट निकाले, पेसर्स ने कितने विकेट निकाले, आपको बोलर्स में कौन से बोलर्स लेना है, बैटर्स में आपको कितना उनको इंपॉर्टेंस देना है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। पिच रिपोर्ट मत पढ़िए, मैं आपको आगे बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले तो फैंटेसी टिप्स देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इन टीमों ने अभी जितने मैचेस खेले उसमें इनके प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस करा वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 60 पॉइंट्स प्रति मैच का ये परफॉर्मेंस देते हैं और 66% ड्रीम टीम का हिस्सा रहते हैं। वहीं एस खान 55 पॉइंट्स प्रति मैच देते हैं, 100% ड्रीम टीम का हिस्सा रहते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे हाई परसेंटेज में ऑलराउंडर्स में आपको सुनील नारायण और ललित यादव का भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम फैंटेसी टिप्स की बात करें तो बोलिंग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे 100% ड्रीम टीम में खलील अहमद रहे हैं और कुलदीप यादव ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और उमेश यादव का तो कहना ही क्या है, 4 मैच में 78 पॉइंट्स प्रति मैच का परफॉर्मेंस और 75% ड्रीम टीम का ये हिस्सा रहे हैं। टिम साउदी 100% ड्रीम टीम का हिस्सा, 85 पॉइंट्स प्रति मैच। और विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत 42 पॉइंट्स प्रति मैच और 66% ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। जिसका ड्रीम टीम परसेंटेज ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मैचेस में। और इसके अलावा जिनके PPM यानी कि पॉइंट्स पर मैच ज्यादा हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं बॉलिंग या बैटिंग से, जिससे भी देते हो जिनके पॉइंट्स ज्यादा हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्लेयर बैटल पे। इस पे मैं आपको बताऊंगा वो कौन से बैटर्स हैं जो कुछ बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केकेआर के बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रहाणे अक्षर पटेल की पिटाई करते हैं। अक्षर पटेल की बहुत ज्यादा पिटाई रसल ने कर रखी है। अक्षर पटेल को नीतीश राणा उतना अच्छा नहीं खेल पाते, 25 गेंदों में 2 बार विकेट दी, रन भी ज्यादा नहीं बनाए। मुस्तफिजुर रहमान ने रसल का 1 बार विकेट निकाला है, ज्यादा रन नहीं खाए हैं। नॉर्थ जीरो ने भी राणा का 1 बार विकेट निकाला है बिना ज्यादा रन दिए। और कुलदीप यादव रहाणे के सामने बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, देखिए 21 गेंदों में 14 रन देकर 2 बार इनकी विकेट निकाली है। और शार्दुल ठाकुर की तो आंद्रे रसल ने बहुत भयानक पिटाई करी है, 17 गेंदों में 50 रन बनाए और 2 बार विकेट हालांकि मिली है शार्दुल को, बट काफी रन बनवा दिए। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 गुना रन है बॉलों के मुकाबले, 300 के स्ट्राइक रेट से रसल खेले हैं शार्दुल ठाकुर को। और शार्दुल ठाकुर की पिटाई तो श्रेयस अय्यर ने भी करी है। शार्दुल ठाकुर देखिए काफी पिटते हैं बट विकेट टेकिंग होते हैं, कॉस्टली जरूर होते हैं, रन काफी खाते हैं बट वही है कि विकेट निकाल के ये भी देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स और केकेआर के बॉलर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सुनील नारायण ने वार्नर का सिर्फ 2 बार विकेट निकाला है, वो भी 122 गेंदे करने के बाद, यानी सुनील नारायण वार्नर के सामने कोई इंपॉर्टेंट पिक नहीं होंगे। उमेश यादव ने काफी रन खाए हैं डेविड वार्नर के सामने, 51 गेंदों में 3 बार इनकी विकेट भी निकाली है। सुनील नारायण ने 2 बार मनदीप सिंह और 2 बार पॉवेल की भी विकेट निकाली है, जिसमें पॉवेल इनके सामने तो अच्छा नहीं खेल पाती, मनदीप सिंह ने फिर भी ठीक खेला है। अगर हम देखें तो रसल ने वार्नर की भी 1 बार विकेट निकाली है बट बहुत ज्यादा रन खाए हैं। नारायण ने अक्षर पटेल को शांत रखा है, देखिए 23 गेंदों में 20 रन देकर 2 बार विकेट निकाली। और बाकी प्लस का भी इसी टाइप से आप स्टैट देख सकते हैं, जिसमें रसल वर्सेस पंत भी एक काफी अच्छा स्टैट है। 18 गेंदों में पंत ने 200 के स्ट्राइक रेट से परफॉर्मेंस दिया है रसल के सामने, बट 18 गेंदों में 2 बार अपनी विकेट भी है। थोड़े से शॉट इनकी कभी कभी अजीब होते हैं और रसल वेरिएशंस करते हैं, कभी यहां बॉल कभी वहां बॉल, तो पंत इनके जाल में फंस जाते हैं। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ यहाँ पे 1 मैच खेला गया है जिसमें 166 बना था फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, तो इंटरनेशनल से तो हमें ज्यादा वेन्यू के बारे में पता चलेगा नहीं। तो डोमेस्टिक देख लेते हैं, डोमेस्टिक में 7 मैचेस में देखिए 4 बैटिंग फर्स्ट ने जीते और 3 बैटिंग सेकंड ने मैचेस जीते हैं, ठीक है। ये कुछ परफॉर्मेंसेज है, मैक्सिमम स्कोरिंग 170 से 189 की रेंज में होती है और कई बार 190 के ऊपर भी जाता है, 169 के नीचे बहुत कम जाता है, बल्कि यहाँ पे गया ही नहीं है डोमेस्टिक्स में। यानी कि मिनिमम स्कोर आपको इस मैच में 170 का फर्स्ट इनिंग में मिलना चाहिए।
और यहाँ पे आप बैटिंग वेन्यू मान के टीम बनाइए, क्योंकि बैटिंग को ही यहाँ पे मदद मिली है। ये देखिए आखिरी मैच 8 अप्रैल 2022 को हुआ, 189 बनाए पंजाब ने, उसको चेस करा गुजरात ने 190 बना के। बैटिंग के लिए बहुत सॉलिड वेन्यू है। उसके पहले 3 अप्रैल को मैच हुआ, पंजाब ने 180 बनाए, चेन्नई हालांकि ऑल आउट हो गई। उसके पहले एक और मैच हुआ जिसमें देखिए 210 बनाए चेन्नई ने, यानी यहाँ पे 170 से कम स्कोर होता ही नहीं है। बैटर्स के लिए बहुत अच्छा वेन्यू है। अब मैंने आपको बोला था स्पिन बोलर्स लेने हैं कि पेस बोलर्स लेने हैं, तो इसमें देख लीजिए इसमें खेल हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पेस बोलर्स को लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेस बॉलिंग का रेशो ज्यादा है स्पिन वर्सेस पेस। स्पिन के 4 विकेट तो 7 विकेट है पेसर के, स्पिन के 6 विकेट है तो 11 विकेट है पेसर के, स्पिन के 2 विकेट है तो 8 विकेट है पेसर्स के, यानी दुगने या 4 गुने विकेट पेसर्स निकालते हैं स्पिनर्स के मुकाबले। ये वेन्यू पेसर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट इनिंग में आखिरी मैच में 3 स्पिनर्स ने विकेट निकाले थे, 5 निकाले थे पेसर्स ने। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में मध्यम गति के गेंदबाज स्पिनर्स ने 1 विकेट और तेज गति के गेंदबाज फास्ट बोलर्स ने 2 विकेट निकाले थे। तो हमेशा आप देखेंगे कि स्पिनर्स के मुकाबले तेज गेंदबाज ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ड्यू फैक्टर भी रहता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे, बट ये दिन वाला मैच है तो ड्यू फैक्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर्स की बात करें तो ये कुछ स्कोर्स है, हालांकि ज्यादा आपके काम नहीं आएंगे बट फिर भी देख लीजिए। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। केकेआर ने 4 में से 3 मैचेस को अभी तक जीता है, दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 1 ही मैच को जीत पाई है। 29 मैचेस आपस में खेले गए, 16 कोलकाता ने जीते और 13 दिल्ली कैपिटल्स जीती है। बैटिंग फर्स्ट करके कोलकाता ने 7 मैचेस को विन करा और वहीं बैटिंग सेकंड करके कोलकाता ने 9 मैचेस को विन करा। ओवरऑल कोलकाता आगे दिख रही है, बट अगर आप आखिरी 5 मैचेस को देखें तो उसमें कोलकाता ने 3 मैचेस जीते, दिल्ली कैपिटल्स ने 2 जीते। यानी कि तकरीबन कह सकते हैं कि एक टीम यानी कि जैसे कोलकाता हो गई, ये 60% ज्यादा मैचेस जीती आखिरी 5 मैचेस में और 40% मैचेस दिल्ली कैपिटल्स जीती है। 60-40 का रेशो चल रहा है, कोलकाता 60 और दिल्ली कैपिटल्स 40, यानी कोलकाता ज्यादा बेटर टीम नजर आ रही है, अभी की प्लेइंग 11 से भी आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट फॉर्म की, तो कोलकाता ने 5 में से 3 मैचेस को जीता अपने और वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 5 में से सिर्फ 1 मैच को जीता है, अगर आप 2021 के भी काउंट कर लें। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल लिख दिया है चीजों को, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबले, जब ये टीमें आपस में खेलती है तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है। देखिए आखिरी बार खेले थे लोग 13 अक्टूबर 2021 में और 28 सितंबर 2021 में, और 2021 में एक और मैच था 29 अप्रैल 2021। टोटल 3 मैचेस 2021 में खेले थे और 3 में से 2 मैचेस केकेआर जीती थी चेजिंग करके, और 1 मैच चेज करके डीसी ने विन करा था। तो जो भी टीम इनमें से टॉस विन करती है मोस्टली चेजिंग लेना पसंद करेगी, क्योंकि चेजिंग में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल रखे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इनके हेड टू हेड। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं टीम हिस्ट्री की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 50% मैचेस को कोलकाता जीती है ओवरऑल आईपीएल में, और ओवरऑल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स 46% मैचेस को जीती है, यानी कोलकाता का ज्यादा बेटर रिकॉर्ड है एज अ टीम। इसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग पेयर की दिल्ली कैपिटल्स के, तो क्या ओपनिंग पेयर है, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। पिछले मैच में डेविड वार्नर जरूर जल्दी आउट हो गए, पृथ्वी शॉ ने काफी अच्छा खेला, बट ओवरऑल देखें तो डेविड वार्नर आपके लिए हमेशा बेटर पिक होंगे। पृथ्वी शॉ को तो टीम में ले ही लीजिएगा, बड़े प्लेयर है, ऐसा नहीं बहुत छोटे प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रखी है और परफॉर्मेंसेस बैटिंग विकेट पे इनके बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर बैटिंग विकेट हुआ जैसे कि ये है तो भाई इनको लेना ही है, और डेविड वार्नर को भी लेना है, क्योंकि डेविड वार्नर आमतौर पर बहुत अच्छा खेलते हैं। शुरुआती मैच था 4 रन पे आउट हो गए, बट उसके पहले देखिए लगातार 50-50 प्लस की स्कोरिंग इन्होंने कर रखी है आखिरी कुछ मैचेस में। अपोजिशन टीम के खिलाफ यानी कि जैसे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सामने वाली टीम के खिलाफ अगर आप देखेंगे, जैसे केकेआर का अभी मैच है इनके साथ, तो केकेआर के खिलाफ यानी अपोजिशन टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 मैचेस केकेआर के खिलाफ देखिए, पृथ्वी शॉ 1 मैच में 82 लगाए, 2 में फ्लॉप रहे। ऐसे डेविड वार्नर ने 2 मैच में अच्छी स्कोरिंग करी 35 से 47 के बीच में और 1 मैच में फ्लॉप रहे। इसी टाइप से केकेआर को कभी रोमन पॉविल ने फेस नहीं करा और ऋषभ पंत ने आखिरी 3 मैच में केकेआर के खिलाफ सिर्फ 1 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैंने आपको बताया था इनको आंद्रे रसल काफी परेशान करते हैं, तो ऋषभ पंत देखिए अच्छा खेल रहे बट अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पॉविल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, वार्नर अच्छा कर सकते हैं, पृथ्वी शॉ का फॉर्म अच्छा है। तो ये 4 प्लेयर्स में से आपको ये 2 लेने हैं और ये भी ले लीजिएगा, पंत भी कभी भी अच्छा कर सकते हैं, अगर नहीं फंसे तो बड़ा स्कोर करेंगे। इसके बाद चलते हैं बात करते हैं सरफराज खान की, 21 का इनका एवरेज चलता है अगर हम बात करें, और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक फॉर्म है, हर दूसरे मैच में 25-30 की स्कोरिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड इनका हालांकि उतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं ललित यादव, जो सामने वाली टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कुछ ओवर्स बॉलिंग कर सकते हैं, अपोजिशन टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा अच्छा है और बैटिंग आने का चांस हालांकि लेस होता है, बट जब आती है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपके लिए ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी बैटिंग नहीं आ पाती बट ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा हिट करते हैं और बॉल भी करेंगे तो उसमें आपको विकेट लेके दे सकते हैं। सो ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को आप टिक मार्क कर लीजिए या
आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर बात करते हैं अक्षर पटेल की। ये सीजन इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा और हो सकता है वेन्यू से भी हेल्प नहीं मिल रही हो और नहीं भी मिल रही, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है। तो अरे अक्षर पटेल का भी फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा, लास्ट तीन मैच से कोई विकेट नहीं है, हालांकि चार चार ओवर पूरे कंप्लीट कर रहे हैं और बैटिंग भी बहुत डाउन आ रहे हैं, तो इनसे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग में आई थिंक ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे पिक करने के लिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी टीम की। बाकी टीम में कौन कौन है, तो इनकी टीम में अब बचते हैं शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, नॉर्जे और मुस्तफिजुर रहमान, जिसमें शार्दुल आपको बैटिंग बैकअप भी देंगे और हेड टू हेड भी इनका काफी अच्छा है। कुलदीप यादव का ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आखिरी तीन मैचेस से लगातार विकेटे ले रहे हैं और हालांकि आप देखिए केकेआर को अभी फेस नहीं कर रहे। फिर आती है बारी एंडिश नॉर्जे की, राइट आर्म फास्ट बॉलर, रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छी खासी विकेट हैं। लास्ट मैच में दो बीमर्स कराई थी जिसकी वजह से इनको फिर आगे बॉलिंग करने ही नहीं मिली थी। आप सोच रहे होंगे कि 2.2 ओवर के बाद इन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि इन्होंने दो बीमर्स फेंक दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, अंपायर अलाउ नहीं करते उस बॉलर को बॉलिंग करने के लिए। अब बॉल स्लिप हो रही हो चाहे कुछ भी हो रही हो, इनको बॉलिंग नहीं मिली थी कंप्लीट, वरना ये डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और चार ओवर पूरे डालने वाले प्लेयर हैं, इवन ट्रम्प कार्ड प्लेयर होंगे आपके लिए इस मैच में, क्योंकि बहुत से लोग इनको इग्नोर कर देंगे वो चीज देख के। मुस्तफिजुर रहमान भी काफी इंपॉर्टेंट है बट हेड टू हेड इनका अच्छा नहीं है। तो इन तीन प्लेयर्स में आपको अगर दो प्लेयर्स लेने हो, एक तो शार्दुल को ले लीजिए, एक नॉर्जे को ले लीजिए। उसके बाद कुछ लेना हो तो अगर स्पिन को मदद तो कुलदीप ले लीजिए, अगर फर्स्ट बॉलिंग हो तो मुस्तफिज ले लीजिए, बट पहली प्रेफरेंस आपकी शार्दुल और नॉर्जे होनी चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ में ये कुछ प्लेयर्स अगर खेलते तो इनको आप अपनी टीम में ले सकते हैं, अभी फिलहाल तो चांसेस कम है बट अवेलेबिलिटी है तो इनमें से कोई भी प्लेयर खेल सकता है, देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं कोलकाता की प्लेइंग 11 की, जिसमें वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे एरन फिंच के साथ। एरन फिंच अब अवेलेबल होंगे खेलने के लिए। फिंच की अगर हम बात करें तो हर दूसरे तीसरे मैच में 25-30 के आसपास की स्कोरिंग करते हैं। फिंच का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सेकंड इनिंग के केस में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, यानी चेजिंग ये ज्यादा बेटर करते हैं जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट बैटिंग के केस में जल्दी फ्लॉप होने का चांस होता है, बट जब इनके पास एक टारगेट होता है तो जब ये चेज करते हैं तब ये बहुत अच्छा करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में चेजेस में एरन फिंच का परफॉर्मेंस अच्छा देखा गया, तो चेज की कंडीशन में तो आप इन्हें कप्तान वाइस कप्तान भी बना दीजिएगा। बट प्लेयर तो बहुत रेप्यूटेड है, 10,000 ऊपर रन है इनके 348 मैचेस में डोमेस्टिक प्लस अगर आप इंटरनेशनल बनाए T20 के, तो ये प्लेयर को आप टीम में ना ले ऐसा तो नहीं हो सकता, लेना तो पड़ेगा। बट कप्तानी वाइज कप्तानी कब देंगे, जब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे। वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में 50 लगाया और अपोजिशन टीम के खिलाफ दो मैच में एक बार 50 लगा चुके हैं, अब फॉर्म भी वापस आ गया, इंपॉर्टेंट होंगे। रहाणे को शायद इस मैच में मौका नहीं मिलेगा, सो उनको मैंने टीम में नोट नहीं करा है, ठीक है। श्रेयस अय्यर को आप नंबर 3 पे बैटिंग करते देखेंगे, 33 का एवरेज है, बट इस सीजन इस आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिला नहीं है। मैच विनिंग प्लेयर है, किसी भी दिन आपको 50-60 रन बना के ग्रैंड लीग जितवा देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शेल्डन जैक्सन की, विकेट कीपर बैटर है। अब देखिए ये खेल रहे हैं तो वही है कि इनकी टीम का एक जाएगा प्लेयर सैमलिंग्स, तो 29 का देखिए इनका एवरेज बनता है शेल्डन जैक्सन का। अगर इनको नंबर 4 पे खिलाया तो आपके लिए ठीक ठाक पिक होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे, बट अगर इनको 4 पे ना खिला के 6 या 7 पे खिलाएंगे तो फिर आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं होंगे। विकेट कीपिंग ये करेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नितेश राणा, आंद्रे रसल और पैट कमिंस की, जिसमें आपने पिछले मैच में देखा पैट कमिंस ने बहुत ही शानदार बैटिंग करी और एक ओवर में अपोजिशन टीम के खिलाफ डेनियल सैम्स के खिलाफ बहुत बढ़िया इन्होंने बैटिंग करके चौके छक्के लगाए थे। अभी मुझे तेवतिया वाला याद आ रहा था, लास्ट केस ओडिन स्मिथ के साथ जो हुआ था उससे भी भयंकर इन्होंने बैटिंग करी थी, और आपने देखा होगा शायद 2-3 ओवर के अंदर इन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। वो 1-2 ओवर जो बीच में पड़े थे उसमें पैट कमिंस ने बहुत ज्यादा रन बना दिए, चौके छक्के लगातार, पता नहीं कितना बड़ा ओवर वो गया था, 4-6-6-6-4 ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो पैट कमिंस ये कभी भी ऐसा कर सकते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे, आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखिए कई बार इन्होंने ऐसा कर रखा है, ठीक है। इनको आप मिनी एंड्रे रसल बोल सकते हैं, बॉलिंग तो 4 ओवर करेंगे, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक होंगे। रसल तो इंपॉर्टेंट है ही है, पिछले मैच में आई थिंक इन्होंने बॉलिंग 1-2 ओवर कराई थी, इनको विकेट नहीं मिला और बैटिंग में उतना ऊपर इनको खिला नहीं रहे तो इनके थोड़े चांसेस चलने के कम होते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट पिक होते हैं। अगर ये अपने 1-2 ओवर भी डालते हैं वो डेथ ओवर्स में डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है नोट करने वाली कि रसल मान लीजिए अगर 2 ओवर भी डाल रहे हैं तो उनके मोस्टली आप ओवर्स जो है वो 14वें और 15वें ओवर के बाद देखेंगे, 18वें या 19वें में 1-2 ओवर तो ये डाल ही देता है, तो तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी हिटिंग भी अच्छी कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की। नारायण का देखिए फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, उमेश का फॉर्म तो बहुत ही शानदार है, रसिक सलाम को पिछले मैच में मौका मिला 3 ओवर के आसपास कराए थे, फिर इन्हीं का 1 ओवर काट के रसल को दे दिया था, लास्ट मैच में विकेट लेस गए। वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में इकोनॉमिकल भी थे और लगभग मोस्ट ऑफ द मैचेस में 1-2 विकेट के आसपास निकाल के दे देंगे, हालांकि उतना भी अच्छा फॉर्म T20 में नहीं चल रहा, हेड टू हेड भी उतना खास नहीं है। इसके बाद आप देख लीजिए इनकी बेंच स्ट्रेंथ में जो जो प्लेयर्स अवेलेबल है उनको एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं
और बात करते हैं डेथ ओवर्स की। अब देखिए केकेआर की तरफ से डेथ ओवर्स कौन करेगा, पैट कमिंस तो प्रॉपर डेथ गेंदबाज है, ये तो करेंगे, इनके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, रसल है तो रसल करेंगे, मावी को खिला लिया तो पैट कमिंस के साथ मावी डेथ में गेंदबाजी करेंगे, कभी कभी स्पिनर्स के साथ भी गेंदबाजी कर लेते हैं, बट प्रॉपर डेथ गेंदबाज पैट कमिंस है और मोस्ट केसेस में आखिरी दो तीन ओवर में रसल को एक आध मिल ही जाता है। डीसी की तरफ से शार्दुल करेंगे डेथ में गेंदबाजी नॉर्जी के साथ और मुस्तफिज रहमान भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। पिछले मैच में बीमर्स की वजह से नॉर्जी के ओवर्स कटे जिसके चलते फिर लास्ट में शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिज रहमान आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए देखे, बट नॉर्जी का ओवर नहीं कटेंगे तो ये प्रॉपर डेथ गेंदबाज होंगे और शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिज इनके सपोर्टिंग गेंदबाज होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टीम की। अगर आपने अभी तक देखिए डिपॉजिटर्स गिव अवे में पार्ट नहीं लिया फैन टू प्ले के तो ले लीजिए, जो लोग रेफर कोड एफएक्स के साथ साइन अप करेंगे फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे और डिपॉजिट्स करेंगे, डिपॉजिट के टाइम पे आपको डिपॉजिट के नीचे ही हमारा कोड दिख जाएगा। अगर आपने हमारे कोड से साइन अप करा होगा यानी एफएक्स कोड से साइन अप करा होगा तो आपको ये कोड दिखेगा जस्ट नीचे डिपॉजिट कोड, जब आप डिपॉजिट करें इस पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और जब आपका डिपॉजिट होगा तो जो लोग हाईएस्ट डिपॉजिट करेंगे 10 तारीख तक उनको मिलेगा आईफोन सैमसंग इको डॉट, जैसी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से। हाईएस्ट डिपॉजिटर के लिए देखिए एप्पल आईफोन 12 मिनी है जो 50,000 की वैल्यू रखता है। इसके बाद मेरी टीम देख लीजिए जो मैंने टीम बनाई है। पिछले मैच में वार्नर जरूर आउट हो गए बट आपको पता है उस मैच के तीन मैच पहले तक 50-50 की स्कोरिंग करी है और बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर माने जाते हैं आईपीएल में, इसलिए इस प्लेयर को आप कैप्टन जरूर करिए। वाइस कैप्टनसी फिंच को दे दीजिए, फिंच अभी खेल के यार रनिंग में क्रिकेट खेली, ऐसा नहीं है कि एकदम से उठ के आ गए, लास्ट अभी पाकिस्तान से काफी मैचेस खेले हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। पृथ्वी शॉ का फॉर्म अच्छा है, इनको लीजिए बैटिंग विकेट पे कभी मत छोड़िए। शेरशेर को भी आप बैटिंग विकेट पे नहीं छोड़ सकते, इवन ऋषभ पंत वेंकटेश और रसल को भी बैटिंग विकेट पे नहीं छोड़ सकते। यही रीजन है कि मैंने इन सबको कवर करा है, जो बैटिंग में मुझे अच्छे सॉलिड प्लेयर लगे उनको नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि 170 के कम तो बनेगा नहीं, 180-185 एक्सपेक्टेड है तो ये लोग इनमें से कोई भी 40-50-60 कर सकता है। बॉलिंग में मैंने उमेश को ले लिया, शार्दुल को ले लिया, नॉर्जी और पैट कमिंस को ले लिया, जिसमें फर्स्ट बॉलिंग के केस में पैट कमिंस आपके लिए कप्तानी के बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, बॉलिंग से भी आपको विकेट लेके दे सकते हैं और इनको थोड़ा प्रमोशन भी अब टीम देगी इनकी हिटिंग देख के, बाकी प्लेयर्स के मुकाबले बहुत अच्छा खेले पिछले मैच में और उमेश का तो फॉर्म बहुत अच्छा है ही। ठाकुर थोड़े कॉस्टली होते, कभी कभी उनको विकेट नहीं भी मिलती है बट देखिए विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है बट वही है कि बहुत ज्यादा रन खाते हैं। आपके लिए बेस्ट होगा कप्तानी वाइज कप्तानी किसी बल्लेबाज को दे तो मैं वार्नर और फिंच के साथ जाऊंगा, इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है टीम में। ठीक है, और बाकी फिर आप चाहें तो शेरशेर भी ठीक ठाक ऑप्शन है, पृथ्वी शॉ के पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है बट ओवरऑल ठीक प्लेयर है। ठीक है, सो ये मेरी टीम रहने वाली है, आप भी इसी टीम के साथ खेल सकते हैं, कुछ बदलाव करना हो तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फैन टू प्ले एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा।